देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल में बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर चल रहे विवाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर पनागर की कथा में बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा दी गई साई बाबा को लेकर एक बयान के ऊपर बहुत सारे ऐसे भक्त है जो कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मोर्चा भी निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, साई भक्त जितने भी है वो बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ हो गए। मैं आपको बता दूं, हमारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी ने अभी पिछले ही दिनों में जो कि जबलपुर पनागर में एक जो कि बयान दिया था एक भक्त के पूछने में कि क्या साई बाबा को हम भगवान मान सकते हैं, तो उस जवाब में हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने बताया कि हमारे हिंदू समाज के जो कि गुरु माने जाने शंकराचार्य जी का कहना है कि साई बाबा भगवान नहीं, वो सिर्फ एक संत है। जो कि मैं आपको बता दूं, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जी ने कहा कि हम उन्हीं के आधार पर चलते हैं, ओके, क्योंकि वो जो कि सनातन धर्म के गुरु माने जाते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जी ने बताया है कि साई बाबा कोई भगवान नहीं है। फिर भी इसी बात को लेकर कुछ जो कि साई बाबा के भक्त है इस पर मोर्चा निकाले बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो कि आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बाकी आप लोगों की क्या प्रक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और ऐसे ही बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।